हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और पुलिस अधीक्षक हिम्मत अभिलाष समेत प्रशासन के अनेक अधिकारियों ने यहां बड़गांव क्षेत्र का दौरा किया। उनके साथ पुलिस उप अधीक्षक रतनलाल, एसडीएम प्रकाश चंद्र अग्रवाल, तहसीलदार शंकरलाल मीणा भी थे। अधिकारियों ने रूपा खुर्द पोस्ट का भी निरीक्षण किया, जहां आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कोरोना वायरस की महामारी को लेकर जरूरी जानकारी ली गई। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों व अन्य कर्मचारियों को महामारी से बचने के लिए जानकारी दी, साथ ही लोगों को भी जागरूक करने की जानकारी दी गई। बॉर्डर पर तैनात पुलिस कर्मियों की जानकारी ली गई। कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि लॉकडाउन खुलता है और प्रवासी जो बाहर हैं वे बॉर्डर पर आएंगे, उनके लिए स्कैनिंग करके उनको बस या किसी में बिठाकर स्कूल में रखा जाएगा। सभी अधिकारियों को उसकी जवाबदारी दी जाएगी। बड़गांव स्कूल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। हर पंचायत स्तर पर प्रवासी आने पर उनको रोका जाएगा। वहीं कलेक्टर ने एसडीएम से राशन सामग्री के बारे में जानकारी ली। वहीं लोगों को सामान मिल रहा है या नहीं इसकी भी जानकारी ली। विकास अधिकारी रानीवाड़ा ने बताया कि यहां पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न किट, भोजन सामग्री के पैकेट उपलब्ध है और जरूरतमंद लोगों को भामाशाह और प्रशासन बांट रहा है। रानीवाड़ा क्षेत्र में अभी तक कोई मरीज नहीं मिला है। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। बड़गांव से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।